हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्लैश व्लॉग। आज की वीडियो का मोटिव है डीक्लटरिंग, क्योंकि अभी अप्रैल आने वाला है, एक ही हफ्ता बचा है मार्च का एंड द समर इज ऑलमोस्ट हियर। लाइक दिस इज द स्प्रिंग सीजन, समर आने वाला है एंड मेरे घर में मेरे अलावा बाकी सबके कपड़े सेट हो चुके हैं, तो मुझे अभी अपने विंटर वेयर को हटाना है, समर वेयर को सेट करना है और उन कपड़ों को डिस्कार्ड करना है जो मैं बहुत टाइम से नहीं पहन रही हूँ या जो अब मुझे फिट नहीं आ रहे, बिकॉज आई नीड टू मेक पीस विद द फैक्ट कि अब बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे नहीं फिट आने वाले हैं, तो आई माइट डोनेट देम, कोई और यूज़ कर लेगा। सो यस, दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुडे। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट डी क्लटरिंग। अगर आप लोगों ने भी अभी तक अपने सर्दी के कपड़े नहीं हटाए और गर्मी के कपड़े नहीं लगाए हैं तो आप लोग भी ये वीडियो लगाओ और साथ साथ में शुरू करो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिफोर। मेरी मम्मी ने शुरू कर दिया काम, तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द बिफोर। अब क्यों दिखा रही है, अब तो मैंने सही कर दिया है। ये सही है जो ऊपर के जो कपड़ा था वो तो निकाल दिया। सो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग विद। यहाँ पे भी सारा मेरा विंटर वेयर ऐसे बहुत गंदगी से पड़ा हुआ है, आधा तो धुलने भी गया है, आधा मम्मी यहाँ पे निकाल के रख चुकी है। ऐसे रखे ही नहीं, ऐसे एक्सपोज नहीं करना। ये मैंने होली के लिए पहना था, फिर मैंने निकाल दिया था, इसलिए ऐसा हो गया। सर्दी के कपड़े उधर कर दो, गर्मी के अलग कर दो और जो नई मैं पहनती हूँ उन्हें नीचे डाल दो। मैं निकाल रहा हूँ, मैं भी करूँ। मेरे में एक चेंज्ड पर्सन दिखेगा। अब मैं अपनी अलमारी कभी गंदी नहीं होने दूंगी। सो द अलमीरा इज एम्प्टीड। ये दोनों मेरा सेक्शन थे एंड इसके नीचे तो भाई के कपड़े हैं, उसने तो ऑलमोस्ट सेट कर ही लिया एंड दिस इज वॉट वी आर वर्किंग विद। सारे कपड़े मैंने निकाल दिए जो अलमीरा में थे। अभी ये जो नीचे दो बेड बॉक्स है इनमें से भी निकालने बाकी है। अभी वी आर फिगरिंग आउट कि इसमें से कौन से कपड़े मुझे फिट आते हैं उनको मैं रखूंगी, जो मुझे फिट नहीं आते विल गिव देम टू माई कजन एंड जो विंटर्स के हैं वील पैक देम अप इन दीज बॉक्सेस। तो लेट्स डू दैट। तेरे को एक कपड़ा नहीं आने वाला है। मम्मी आप मुझे बॉडी शेम करना बंद कर दो पहले, आपको ना सही में ऑडियंस ट्रोल करेगी। ये कैसी गंदी माँ है। अच्छा, अपनी बेटी को जब देखो बॉडी शेम करती रहती है। लिटरली आप हर वीडियो में को बॉडी शेम करती हो, पता है ना आपको। ये अपने हाथ हिला रही है खाली कैमरा में दिखाने के लिए, काम कुछ नहीं कर रही है। हम सो वन आवर लेटर दिस इज द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड। ये सारे कपड़े हैं जो मैंने डोनेट करने के लिए निकाल दिए या अपने कजिन्स वगैरह को देने के लिए। ये सारे कपड़े हैं जो मेरे अलमीरा में जाएंगे और वो है मेरे इंडियन वेयर का सेक्शन जो कि मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा, और वो इंडियन वेयर के दुख में अभी मैं पिछले 15-20 मिनट से रो रही हूँ एंड हैंस द सोलर नाइस। तो और अब मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ काम करने का, मैं इतना दुखी हो गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी कपड़े फिट नहीं आ रहे और ऊपर से ये रावण मतलब रामन और ये यहाँ पे बैठ के मुझे अलग बॉडी शेम करने में लगी हुई, इसलिए अब मेरा और कुछ काम करने को भी मन नहीं कर रहा। काम मैंने सोचा था कि सफाई करके मूड फ्रेश हो जाएगा एंड आई एम सो सैड एंड अपसेट। लिटरली मेरा इतना मूड ख़राब हो गया है दैट नथिंग इज़ फिटिंग मी एनी मोर। लाइक वेस्टर्न वेयर तो फिर भी फिट हो रहा है और लाइक हो ही रहा है फिर भी क्या, बट इंडियन वेयर
नथिंग एट ऑल. आई विल हैव टू शॉप नाउ. मतलब इंडियन वेयर तो बिल्कुल भी नहीं मुझे फिट हो रहा है ना. आई एम सो अपसेट एंड मुझे लिटरली आई नो दैट आई नीड टू लूज वेट बट इट इज़ सो डिफिकल्ट. आई डोंट नो हाउ टू डू इट. मुझे बिल्कुल डिमोटिवेशन हो गया आज तो. कहाँ मुझे लगा था सफाई करके मोटिवेशन आएगा. एंड आई वॉज फीलिंग सो स्लीपी एंड आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड डन विद लाइफ. सो आई जस्ट गॉट माई सेल्फ अ कॉफी. लाइक आई मेड इट माई सेल्फ. स्लीपी आउल की हेजल नट इज हैंड्स डाउन द बेस्ट. माई एब्सोल्यूट फेवरेट. दिस इज जस्ट द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड द एंटायर डे. आई एम सो लो राइट नाउ. आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? लाइक नथिंग फिट्स एनी मोर. वॉट डू यू डू देन? लाइक आई नो यू नीड टू ईदर बाई न्यू क्लोथ्स और लूज वेट. हाउ डू यू डू दैट? It's just difficult. The next day. Hi guys, this is the next day. कल की decluttering वहीं पे ही pause कर दी थी because I was super super tired and I did not have energy to continue. So आज हम लोग आगे का declutter करने वाले हैं. I'll just show you in a bit कि कल हमने क्या क्या tackle किया. For now I have my coffee here. अभी 10:30 बज रहे हैं. आज माई डे स्टार्टेड रियली रियली लेट. लाइक कम्पेयर टू माई रूटीन जो मैं फॉलो कर रही थी वो मैंने नहीं किया. एंड आई एम हैविंग माई कॉफ़ी राइट नाउ. एंड सबसे पहले मैं ये डीक्लटरिंग ही कम्प्लीट करूँगी एंड ओनली आफ्टर दैट विल आई मूव टू माई अदर वर्क सो दैट माई माइंड इज ऑल्सो डीक्लटर्ड. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय माई कॉफी फॉर अ वाइल एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू कि कितना हम कर चुके हैं एंड आज क्या क्या पेंडिंग है. दिस इज वॉट वी टैकल्ड यस्टरडे. यहाँ पे मैंने बॉक्सेस में अपना सारा विंटरवेयर रख चुका है. एंड यहाँ पे दिस एरिया इज़ फॉर माई शूटिंग इक्विपमेंट्स लाइक माई ट्राईपॉड, माई कैमरा, माई छोटू वाला ट्राईपॉड, माई रिंग लाइट एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये बहुत ज़्यादा एरिया इससे कवर हो जाता है. तो इतने में आई हैड टू फिट माई क्लोथ्स. सो आई कैप्ट माई कुर्तीज हियर, माई ड्रेसेज हियर, माई टॉप लाइक द ड्रेसियर वंस हियर. यहाँ पे मेरे पजामे ट्राउजर्स वो हैं जो घर पे पहनने वाले होते हैं. देन दीज आर माई नाइट वेयर टॉप्स घर पे पहनने वाले. देन दीज आर द टी शर्ट्स जो की सारी मेरे भाई की है. बट उसको क्योंकि अब ये वाला साइज आता नहीं है तो ये मैंने ले लिया. सो आई हैव अ लॉट ऑफ टी शर्ट्स एंड आई डोंट हैव टू बाई मोर टी शर्ट्स दिस ईयर. एंड दिस ईयर आई एम नॉट प्लानिंग टू बाई अ लॉट ऑफ क्लोथ्स. आई एम गोइंग टू रीवियर द शेड आउट ऑफ दीज क्लोथ्स बिकॉज जब वो फिट नहीं आते एंड देन हैव टू यू नो गिव देम अवे. और नहीं मैंने उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया होता है. इट जस्ट सक्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीवियर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई हैव दिस ईयर एंड आई एम गोइंग टू बाय बहुत थोड़ों से कपड़े, नॉट मच. दिस इज़ द सिचुएशन. इस डब्बे में न कल जो भी चीज़ें बची हुई थी बिखरी हुई इसमें डाल दी थी मैंने. नाउ आई हैव टू ओपन दिस अप जिसमें कि मेरा सारा स्किन केयर एंड मेकअप पड़ा हुआ है. सो आई नीड टू सेग्रीगेट ऑल ऑफ दैट एंड आई विल यू नो गिव अवे सम प्रोडक्ट्स जो मेरे पास सील पैक्ड रखे हुए हैं सो दैट यू गाइज कैन यूज इट एंड मेरा थोड़ा सा इधर स्पेस भी कम हो जाएगा. सो दैट इज वॉट वी आर गोना डू टूडे. द क्लोथ सेक्शन इज ऑल डन. नाउ इसको मैं पूरा खाली करने वाली हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू एम्प्टी दिस एंड ऑल्सो ऑल ऑफ दीज ड्रॉर्स. ये सब कुछ मैं एम्प्टी कर लेती हूँ एक बार. एंड वंस आई हैव ऑल एम्प्टीड मैं यहाँ पे सब कुछ एक्यूमुलेट करके एंड देन आई विल फिगर आउट कि कौन सी चीज को कहाँ पे रखना है. सो लेट्स गेट गोइंग. इनको एक सेकंड के लिए मेकअप कलेक्शन के पास बैठाओ और ये लिपस्टिक के डब्बे खोल के बैठ जाती है. मैंने आपको यहाँ काम के लिए बैठाया था कि लिपस्टिक छेड़ने के लिए. तो क्या कर रही हो आप? तो लिपस्टिक ही उठ. ये देखो अब कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है. लास्ट में ये वाली फुटेज में चेक कर लास्ट में चेक करूंगी इस वाली वीडियो में देख के आपने मेरी क्या क्या सामान उठा के जेब में भरे है. अगर वो वाली लिपस्टिक लेगी तो पक्का लूंगी तेरे आगे लूंगी कोई चुरा के नहीं. अच्छा और वो गायब कर दी मैंने पूरी. वेट फॉर इट. कैमरा मुझे जान लग रहा है. हाँ तो मैं उसमें चेक करूंगी कि आपने क्या क्या जेब में भरा है. फिर आप ये भी नहीं बोल पाओगे नहीं नहीं मैंने तेरा मेकअप नहीं लिया है.
अलमीरा इज डन. लाइक इट इज क्लीन एज पर माई रिक्वायरमेंट्स. इट माइट नॉट बी द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्गेनाइज, बट दिस इज हाउ आई लाइक टू यूज इट एंड आई हैव केप्ट माई बैग्स देयर. सो द अलमीरा इज ऑल डन. द ड्रेसिंग टेबल इज ऑल सेट विद माई हेयर प्रोडक्ट्स, माई फ्रेग्रेंसेज एंड अगेन सम मोर हेयर प्रोडक्ट्स. दिस इज द स्किन केयर ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सेट. अभी इसमें और भी प्रोडक्ट्स आएंगे बिकॉज आई एम यू नो स्विचिंग विंटर प्रोडक्ट्स विद द समर स्लैश स्प्रिंग प्रोडक्ट्स. एंड हियर इज माई विजन बोर्ड अगेन बैक इट्स प्लेस. ऑल द कंपार्टमेंट्स हियर आर सेट. दीज आर द मिसलेनियस आइटम्स क्लीन. द हेयर प्रोडक्ट्स ऑल सेट. माई स्किन केयर ऑल सेट. माई साइड टेबल ऑल सेट. This is the decorative piece. Then this is my side table ka drawer. All set, neat and clean. These have my makeup and my jewelry. Isme to maine kuch bhi change nahi kiya. It was already clean. And this is the bed box. All set again. Isme zyada mehnat nahi lagi. Kaafi cheezon mein zyada mehnat nahi lagi. Like the bed box and my makeup. Because it was already done. Maine kuch months pehle hi wo sab safai kari thi. And it was all in good place. To usko dobara se karne ki zarurat nahi padi. And ab kyunki mera pura room ho chuka hai declutter. And I'm all set and ready to create some fresh content out of this room yet again. तो मैं आप लोगों को फटाफट से गिव अवे के प्रोडक्ट्स और गिव अवे के रूल्स बता देती हूँ. दिस एक्वालॉजिकाज रेडियंस प्लस जूसी ड्यू ड्रॉप्स. आई नो यू गाइज लव इट. मेरे इसके शॉर्ट्स पे बहुत अच्छा एंगेजमेंट आया था सो आई केप्ट इट असाइड फॉर यू गाइज. देन सेकेंड इज दिस मॉम्स एंड को का नेचुरल बॉडी वॉश. दिस इज रियली गुड. Then we have this sunscreen. Like how can I host a summer giveaway and not have a sunscreen in that? This is by the brand Mother's Purse. And the last item is a makeup item. This is from Swiss Beauty, the lip and cheek tint. This is really really good. This one is in the shade cinnamon. Like this is one of my favorite shades. And the last product is this lip roll on. This is a lip peeling exfoliator and it is really really good. Agar aapko physical exfoliators pasand nahi aate hain, so aapko ye bahut acha lagne wala hai. I use it personally every week and it is amazing. So yes, these were the 1, 2, 3, 4, 5 products that you will be receiving. Now talking about the rules, rules mein zyada mushkil nahi rakhne wali hu. They will be very very simple. 1, subscribe to my YouTube channel. 2, follow me on Instagram. Main yahan pe handle chhod dungi. And the last and the most important rule would be to drop a comment down below. Mujhe batao ki aapka spring declutter ho gaya hai ya nahi hua hai. And also what other videos would you want me to make आने वाले समर और स्प्रिंग सीजन में, वो भी कमेंट्स में छोड़ देना. कमेंट के एंड में हैशटैग यूज करना, हैशटैग सो फैम. जो भी वो हैशटैग यूज करेगा मैं उन्हीं कमेंट्स में से चूज करूंगी द विनर. एंड या दीज वर द सिंपलेस्ट गिव अवे रूल्स. एंड प्लीज पार्टिसिपेट एंड आई होप यू गाइज एंजॉय टूडेज वीडियो. लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम गेटिंग वेरी लेट नाउ सो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव एंड आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी. बाय बाय. We'll be right back.